ओम शांति। आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल सीधा सोधा ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम करेंगे 19वें मार्च के ईश्वर वरदान की यहाँ चर्चा, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम संपूर्ण बन जाएं और संपूर्णता की स्टेज तक हम पहुँच जाएं, और परमात्मा चाहते हैं कि इसकी बधाइयाँ मनाने वाले हम बन जाएं। तो क्या स्टेज है, क्या बधाइयाँ मनानी है, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। बाबा कहते हैं, बेहद के अधिकार को स्मृति में रख। बेहद का अधिकार, हद का अधिकार क्या हुआ? आप एक जन्म के लिए आप या तो कोई अच्छी पोस्ट पोजीशन में आ गए, आपने पढ़ाई करी, आपको कोई नौकरी मिल गई, आप सीईओ बन गए, आप प्रेसिडेंट बन गए, आप मैनेजर बन गए, या आप मिनिस्टर बन गए, या कोई भी पोस्ट पोजीशन में आप आ गए, हाई पोस्ट पोजीशन में आ गए, वो तो एक हद की होगी, एक जन्म की। लेकिन बेहद मतलब जन्म जन्मांतर की प्राप्ति, प्रारब्ध कहते हैं जिसको। तो बेहद के अधिकार को स्मृति में रख, संपूर्णता की बधाइयां मनाने वाले मास्टर रचेता भव। परमात्मा रचेता है इस ड्रामा के, और परमात्मा ने हमें कलम दे दी है, ज्ञान की कलम, कि तुम अपने भाग्य को तुम रच सकते हो। तो तुम मास्टर रचेता, मास्टर मतलब कि बच्चा, तुम परमात्मा के बच्चे हो गए। तो संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी प्राप्त है। वर्षा मीन्स परमात्मा से हमें प्रॉपर्टी, नॉलेज की प्रॉपर्टी, डिवाइन नॉलेज ऑफ क्रिएशन हमें पता चल गई है। पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी है। परमात्मा ने जो हमें पढ़ाई दी है, नॉलेज दी है, जिससे कि हम अपने आप को रिफाइन करते रहते हैं। हम आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा बनते जाते हैं इस नॉलेज से। तो हमें ये क्या मिला हुआ है, ये इनकम भी है हमारे, मिली हुई है, और वरदान भी मिले हुए हैं। ये तो जो हम वरदान हर दिन सुनते हैं, ये भी वरदान हमें मिले हुए हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, अपने आप को परिवर्तन करते जाते हैं। तीनों ही संबंध से इस अधिकार को स्मृति में इमर्ज रखकर हर कदम उठाओ। क्या क्या है संबंध, तीन संबंध परमात्मा से। दुनिया वालों के संबंध के भी केवल एक संबंध है कि वो हमारा परमपिता है, लेकिन परमात्मा जब इस धरती पर आ जाते हैं तो वो परमपिता भी बन जाते हैं, परम शिक्षक भी बन जाते हैं, और परम सतगुरु भी बन जाते हैं। कि वो तीनों रिलेशनशिप्स निभाने आते हैं धरती पर। तभी यदा यदा ही धर्मस्य कहा गया है भगवद्गीता में, कि मेरे को आना पड़ता है जब अधर्म फैल रहा होता है। तो अगर अधर्म का डेफिनेशन देखा है, तो अधर्म मतलब वो हुआ कि आपको सारा ज्ञान है कि क्या सही है क्या सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी क्या कर रहे हैं, आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आप अहंकार, क्रोध, कामवासना, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आप ग्रंथ पढ़ते हैं, जबकि आप बाइबल पढ़ चुके हैं, जबकि आपने धम्मपद पढ़ा हुआ है, आपने सारे शास्त्र पढ़े, लेकिन आपके अंदर क्रोध कंट्रोल नहीं हो रहा है, अहंकार कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप अधर्मी बन चुके हैं। तो उस समय परमात्मा को हमें सद्बुद्धि देने आना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी दुनिया की हालत बिल्कुल खत्म हुई हुई है, पतित हुई हुई है। तो परमात्मा कहते हैं, तो मैं तीनों संबंधों से आता हूं, मैं तुम्हें शिक्षा देने आता हूं, मैं तुम्हें गाइड करने आता हूं क्या सही क्या गलत है। फिर बाबा कहते हैं, अभी समय प्रकृति और माया, समय भी चेंज होने वाला है, प्रकृति भी क्या होगी, चेंज होगी, और माया मतलब ये जो विषय विकार है हमारे अंदर, इम्प्योर थॉट्स, इम्प्योर फीलिंग्स है, वो भी चेंज होने वाले हैं, और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। सिर्फ आप मास्टर रचेता बच्चे हैं, संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो वो विदाई ले लेगी। समय भी परिवर्तन हो जाएगा, कलयुग से सतयुग आ जाएगा, उसके साथ में प्रकृति, पांच तत्व भी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल प्योरीफाई हो जाएंगे। सतयुग मतलब स्वर्ग, स्वर्ग में ऐसी नहीं होगा कि आपको एयर प्योरीफायर लगाना पड़ रहा है, आपको पानी बॉटल का पानी पीना पड़ रहा है, ऐसी चीजें वहां पे सतयुग या स्वर्ग में नहीं होती हैं। तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, प्रकृति भी पवित्र हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा बिल्कुल। फिर परमात्मा कहते हैं, संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो वो विदाई ले लेगी। नॉलेज के आईने में देखो कि अगर इसी घड़ी विनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा। विनाश तो एक हो गया, मैंने शरीर छोड़ा तो ये दुनिया मेरे लिए विनाश हो गई, खत्म हो गया सब कुछ। तो मैंने शरीर छोड़ दिया अगर, तो मेरी नॉलेज के दर्पण में मेरी अवस्था कैसी थी, क्या मेरे अंदर प्योरिटी थी, क्या मैंने कोई विकार किए, कोई पाप कर्म किए, मैंने सब कुछ सुखी रखा कि नहीं रखा। तो ये चीजें चेक करो, और वो रखने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान से ही हम क्या कर सकते हैं, सत्य कर्म कर सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि चेक करो आपने नॉलेज को किस तरीके से इस्तेमाल किया, जो कि आपको ब्रह्मा कुमारी से मिलता है, आपने उसको इस्तेमाल करके आपने अपनी स्थिति को बनाए रखा कि नहीं बनाए रखा। तो ये आज का ईश्वरीय वरदान, और आपको भी उस नॉलेज को समझने के लिए और परमात्मा से तीन संबंध जोड़ने के लिए, कि वो हमारे शिक्षक हैं तो हम स्टूडेंट बन जाएं, उसके लिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये ज्ञान लेना जरूरी है। तो आज का ये श्रेय वरदान, इसके साथ ओम शांति।